Hi, this is Mohammed Alimunchi, and do subscribe to One Take, which is your one-stop shop for everything that's hot and happening in the entertainment industry. So, अब मैं चलता हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहे हैं जैसे मैं कोई बिन बुलाया मेहमान हूं लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि मुझे बहुत गर्मजोशी के साथ इनवाइट किया गया दो शानदार लोगों की शानदार निकाह की तकरीब में हाँ मगर आज उनका निकाह है ना इसलिए दरअसल ये उनकी तीसरी शादी है नाम तो मुझे नहीं मालूम लेकिन कोई उनकी जानने वाली है तीसरी शादी कौन हो सकती है आखिर किससे कर रहा है तीसरी सिर चाय नहीं रमजान चाय नहीं चाहिए बहुत थका हुआ सोऊंगा काम करो जाते हुए दरवाजा बंद कर ठीक है मैंने तुम्हारा पैगाम दे दिया था कौन सा पैगाम वही जो तुम आतेर और रानिया को देना चाहती थी कि तुम उनके निकाह में नहीं जा सकती और ये पैगाम मैं उनको दे दूं तुम निकाह पे गए थे हाँ हो गया निकाह हो गया क्या हुआ तुम्हें इस निकाह से दुख हुआ झूठ नहीं कहूंगी हाँ मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला एक और सच है ये दुख सिर्फ चंद लम्हों के लिए था हेलो तैयारी हो गई जी मैम बस तैयारी ही चल रही है मैंने दुबई ऑफिस इन्फॉर्म कर दिया है एयरपोर्ट पे गाड़ी तुम्हें पिकअप करके होटल ड्रॉप कर देगी मैं अभी परसों सुबह तक दुबई पहुंचाऊंगी और हाँ अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना ठीक है मैम ओके अल्लाह
जी बेगम सर, आपको कुछ चाहिए? नहीं, आतिर कहाँ है? आतिर साहब कमरे में है। कमरे में? जी वो सो चुके हैं। सो चुके हैं? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तंजीला, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी, तो मेरी बात मान लो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अली की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। बहुत बड़ी फैमिली है उसकी, माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई, तुम्हारा वहाँ दिल लगा रहेगा। फैसल, मैं इस तरह किसी और के घर में कैसे रह सकती हूँ? मैं यहीं रहूंगी अपने घर में। हाँ, तुम काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करना। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन 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 कुछ नहीं, तुम्हारा पासपोर्ट भी नहीं है, वरना मैं तुम्हें साथ ले जाता। सच पूछो तो इसरा मेरा जाने को जी भी नहीं चाह रहा। तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला है ना, उस पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। हाँ, रखूंगा। और अब इस तरह तुम्हारा मेरी केयर करना, मेरा ख्याल रखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख्याल तो मैं पहले भी रखती थी। पहले की बात और थी, पहले में और अब में बहुत फर्क है। अच्छा, मैं निकलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखूँ। तुम भी। और हाँ, दरवाज़ा बंद रखना, कोई आए तो अच्छी तरह पूछ लेना पहले। तुम फिक्र मत करो, बस खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आतिर के बाद फैसल, एक बस सर्वर के हाथ ही नहीं आई। मैं भी हार नहीं मानूंगा तन्नो। आतिर, कहाँ थे आप सारी रात? रात भर आपका इंतजार करती रही। अम्मा प्लीज, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बेहतर होगा तुम इस बारे में बात ना करो। समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझती, लेकिन अब मैं आपकी बीवी हूँ आतिर, और शादी की पहली रात जिस औरत का शौहर पूरी रात कमरे में ना हो, उस औरत के दिल पर क्या गुजरती है शायद आप अच्छे से जानते हैं। आनिया, जब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं,
तो बेहतर होगा हम इस बारे में बात ना करें। लेकिन क्यों? इस घर में मेरे करीब रहना तुम्हारी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई, लेकिन मैंने आनिया तुमसे पहले ही कहा था करीब रहने और साथ रहने में बहुत फर्क होता है। हम करीब तो रह सकते हैं लेकिन साथ कभी नहीं। आपके करीब तो आ गई हूं तो आपका साथ भी पालूंगी और ये मेरा वादा है खुद से एंड आई मीन इट। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम खैरियत से पहुंच गए? हाँ पहुंच गया हूं लेकिन तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं और तुम्हारी बहुत फिक्र भी हो रही है। तुम रात में ठीक से सो गई थी ना? कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हुई है ना? मतलब है डर तो नहीं लगा तुम्हें? अरे मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो डरूंगी। बच्ची नहीं हूँ लेकिन बच्चों की तरह मासूम जरूर हो। तो मेरी फिक्र मत करो और अपने काम पर ध्यान दो और जल्द से जल्द काम खत्म करके वापस आने की कोशिश करो। इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नादिया है, मैं वो सामने वाले घर से आई हूँ। खाला ने ये आपके लिए भेजा है। आओ अंदर आओ। खाला कह रही थी फैसल भाई घर पर नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं, होगी तो बता दूंगी। तुम आओ, मैं ये रखकर आता हूँ। जैसे इस घर में जगह बनाई है आहिस्ता आहिस्ता वैसे आपके दिल में भी जगह बना दूंगी। भले आप अभी मुझसे दूर भागे आते लेकिन अब मैं आपकी बीवी और इस बीवी के रूप में मुझे अपनाने के लिए भी मैं आपको मजबूर कर दूंगी। Come in. Congratulations, sir. शादी बहुत बहुत मुबारक। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी सर, बाप ने शादी में इनवाइट नहीं किया तो मैंने सोचा आपको आके विश कर दिया जाए। ऐसी शादियों की मुबारकबाद नहीं दी जाती। क्या मतलब सर? कुछ नहीं।
Anyway, thank you. आप जा सकती। Thanks a lot. जी सर। हेलो आनिया, तुम ठीक तो हो ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपसे बात करने का दिल कर रहा था। मुझे अच्छा लगा आपका मेरे बारे में फिक्र करना, मेरे बारे में यूं पूछना। इसमें कौन सी ऐसी बात है आनिया? तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम्हारा ख्याल रखना जिम्मेदारी है मेरी। तो इस ख्याल और जिम्मेदारी को तो थोड़ी और वसत दे दूं। और मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दे। क्या हुआ आतर, आप खामोश क्यों हो गए? आनिया, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। टेक केयर। ठीक है, अल्लाह। हेलो, ये कौन? आप तो इंसान को देखकर उसकी सलाहियत का अंदाजा लगा लेते हैं, तो क्या आवाज सुनकर नहीं पहचान सकते? आई थिंक नूरैन। क्या हाल है, कैसी हैं आप? भाई देखें, आपने तो अपना नंबर मुझे दिया नहीं था, बड़ी बेताबी से आपके फोन का इंतजार कर रहा था। अगर आप मुझे अपना नंबर दे देती तो शायद मुझको इतना इंतजार ना करना पड़ता। अब तक मैं खुद आपको कॉल कर चुका हूँ। कुछ अच्छा पाने के लिए इंतजार बहुत जरूरी होता है। Hi, this is Mohammed Ali Munshi, and do subscribe to One Take, which is your one-stop shop for everything that's hot and happening in the entertainment industry.